नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कोरोना पर केंद्र सरकार की सख्ती के बीच भारतीय एक्सपर्ट ने राहत भरी खबर दी है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के डायरेक्टर विनय के नंदीकुरी ने कहा कि BF7 वेरिएंट का असर भारत में ज्यादा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर भारतीयों के पास अब हाइब्रिड इम्यूनिटी है। उन्होंने वैक्सीनेशन के जरिए इम्यूनिटी हासिल कर ली है। हालांकि उन्होंने मास्क लगाने समेत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर भी जोर दिया है। CCMB के डायरेक्टर ने कहा कि इम्यूनिटी होने पर भी सभी तरह के वेरिएंट से बचने की क्षमता होती है, लेकिन हमेशा एक चिंता होती है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है वो सभी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि भारत में संक्रमण को लेकर उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट के समय हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक हद तक इम्यूनिटी आ गई है। यही वजह है कि हम अन्य वायरस के संपर्क में आने से बावजूद सुरक्षित है। बता दें कि पिछले गुरुवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के डायरेक्टर अनिल गोयल ने भी ऐसा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसे में देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर गोयल के मुताबिक भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।